अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा खान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आयशा का किचन। अभी माह रमज़ान चल रहा है और अफ्तियारी में सभी पकोड़े तो खाते ही हैं और थोड़े बहुत पकोड़े बच जाते हैं, तो इस अफ्तियारी के बचे हुए पकोड़े से आज आयशा के किचन में बन रही है पकोड़ा बिरयानी। पकोड़ा बिरयानी के लिए पकोड़े तो है ही, अब मैं बता रही हूँ आपको इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। मैंने एक गिलास चावल लिए हैं, इन्हें अच्छे से वाश करने के बाद दो गिलास पानी में आधे घंटे के लिए भिगा कर रखा है। ये थोड़े से साबुत मसाले लिए हैं, तेजपान, बड़ी इलायची, दालचीनी, चकरी, लौंग और काली मिर्ची। एक बड़े साइज का टमाटर है, इसे फाइन चॉप किया है। एक मीडियम साइज की प्याज ली है, इसे भी फाइन चॉप किया है। दो छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। प्रेशर कुकर में एक बड़ा चम्मच घी ले रही हूँ मैं। मैंने घी लिया है, तेल में भी हम इसे बना सकते हैं, घी की बिरयानी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। घी गर्म हो गया है, सबसे पहले हम साबुत मसाले फ्राई करेंगे। साबुत मसाले फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। बचे हुए खाने से हम हमेशा ही टेस्टी डिशेस बना सकते हैं, खाने को बिल्कुल वेस्ट न करें। सही तरीका तो ये है कि खाना उतना ही बनाएं जितनी ज़रूरत हो, और फिर भी अगर खाना बच जाता है तो उस बचे हुए खाने से एक नई डिश बना लें। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक को इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें मैं बारीक कटा हरा धनिया और पुदीना मिक्स कर रही हूँ। पुदीना और हरा धनिया मिक्स करने के बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्ची और हल्दी ले लेंगे। मिर्ची मैंने बहुत कम ली है क्योंकि मैंने जो पकोड़े बनाए हैं वो स्पाइसी पकोड़े हैं। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें हम दो गिलास पानी डाल देंगे। हमने एक गिलास चावल लिए हैं तो दो गिलास पानी लेना है। इस पानी में मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ, इससे हमारे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। जब ये पानी बॉइल हो जाएगा उस वक्त इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम इसमें ये पकोड़े डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर तीन सीटी ले लेंगे। तीन सीटी के बाद हम हमारी बिरयानी को देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक है। ये बचे हुए पकोड़े की बिरयानी हमारी कंप्लीट है। अचार, पापड़ और दही के साथ हम इसे सर्व करेंगे। दही में मैंने चाट मसाला और पिसा हुआ जीरा डाला है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।